क्रिटिकल कंडीशन, कॉल डॉक्टर करन इमीडिएटली। डॉक्टर पल्स इज हाई, चेक द बीपी। नर्स प्लीज चेक द हार्ट बीट। ओह माय गॉड, आई थिंक डॉक्टर करन विल हैंडल दिस सिचुएशन, कॉल हिम इमीडिएटली। लेकिन डॉक्टर फॉर्मेलिटी बाद में होगी, लेट्स डू द ऑपरेशन। अरे बोलिए बोलिए मिस्टर बजाज। अरे आपका रेफरेंस हो और मैं डेट ना दूं, ऐसा हो सकता है कभी? कल ही आना है ना? हाँ तो मैं कल लंदन आ जाता हूँ, ठीक है? और बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे मिस्टर बजाज सुनिए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? चलिए बाय। बस कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी स्विट्जरलैंड, यू डोंट हैव टाइम फॉर मी। क्या बात है डार्लिंग, तबीयत ठीक नहीं है क्या? बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। सुपर मॉडल जो ठहरी। बीवी किसकी हो? आपकी। हॉस्पिटल नहीं जाना? नहीं जाना। लेट हो जाओगे? हो जाने दो। दीदी, दीदी। सॉरी, आई। अरे 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 यार, ये एम्बुलेंस भी गलत टाइम पे आ गई। एक बात कान खोल के सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए, कि अगर राज हाथ से निकल गया, क्या कर सकती हूँ तुम अच्छी तरह से जान। लेकिन दी, नो मोर डिस्कशन। हाय, हेलो इडियट, सुंदर। हाँ हाँ, तुम्हें तो सुंदर ने लेट उठाया होगा। और जब तुम घर से गाड़ी लेके बाहर निकले होगे तो तुम अपने दोस्त को ऑफिस छोड़ने गए होगे, और जब वापस आ रहे होगे तो तुम्हारी गाड़ी पंक्चर हो गई होगी, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? कम ऑन राज, कभी तो लाइफ को लेके सीरियस हो जाया करो, मुझे कितनी फिक्र होती है अम्मी को लेकर। हाँ, वो तुमने भैया से बात की? हाँ। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई है, आजकल की लड़कियां भी है ना, जरा सा भी डांटो तो गुस्सा आ जाता है। अरे अम्मी 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 अम्मी, तू बैठ, सांस लेने दे। अम्मी आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश दिख रही हो, सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? अरे अम्मी, वो मैं शब्बो से मिलने चली गई थी। क्या बात है, आजकल तुम शब्बो से बहुत मिलती हो। एक ही तो मेरी सहेली है, और क्या करूँ, उसकी बात ही कुछ ऐसी है। अरे ठीक है ठीक है, रसोई में जाओ, झूला चलाओ। जी अम्मी। चक्कर आ गए मुझे तो। अरे तेरा फोन बज रहा है। अम्मी वो शब्बो का होगा। एक ही तो मेरी सहेली है, क्या करें, उसकी बात ही कुछ ऐसी है। मैं शब्बो से मिलने चली गई थी। एक ही तो मेरी सहेली है, क्या करें, उसकी बात ही कुछ ऐसी है। मैं शब्बो से मिलने चली गई थी। अरे तेरा फोन बज रहा है। अम्मी वो शब्बो का होगा। यह सैलानी बाबा, मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई? हाँ अम्मी, शब्बो बिना एक पल मेरे बिना नहीं रह सकती। क्या करूँ, वो है ही ऐसी। अरे अम्मी वो दूध चल रहा है। मैं देखती हूँ। हाँ शबनम, मैं कब से फोन कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही हो? आज होटल में जाना है, शाम को मिलना है, समझी? मैं नहीं आ सकती। अरे क्यों नहीं आ सकती तुम? मैं घर पर हूँ। शबनम, हेलो शब्बो। अरे क्या शब्बो शब्बो लगा रखा है? अरे शब्बो हाँ ठीक है, चल कोई बात नहीं, अम्मी अभी मुझे आवाज दे रही, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कैसे बात करूं भैया से, शादी और मेरी? राज, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ, और तुम मुझे अवॉइड क्यों करते रहते हो? देखो तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। कम ऑन राज, आई नो दैट यू लव मी,
Say that you love me. Natasha, छोड़ो. Say that you love me. Natasha, छोड़ो. Say that you Natasha, love me. छोड़ो. Natasha, Natasha. तुमने अच्छा नहीं किया. देखो. You will pay for it. Natasha. ये मैंने किया. बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ. इसीलिए समझा रही हूँ. जज्बात में आके ऐसा कोई भी फैसला मत लेना कि समाज में हमारा सर शर्म से झुक जाए. समाज के सारे कायदे कानून सिर्फ औरतों के लिए हैं, मर्दों के लिए कोई कायदे कानून नहीं है. इसीलिए औरत को हमेशा अपनी मर्यादा में रहना पड़ता है. अम्मी, मैं ऐसा कभी कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊं. एक बार दामन में दाग लग जाता है ना, तो जीवन भर घुट घुट के मरने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है. अब तू बड़ी हो गई है, अपने फैसले खुद कर सकती है. तू समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? जी अम्मी, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी. जिस दिन ऐसी नौबत आई, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी. समाज और धर्म का भेद करने वाले कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो हमें जीने नहीं देते. बेटा, अम्मी, वो लोग ना समझ होते हैं. मैं आपका सर कभी शर्म से झुकने नहीं दूंगी. आप फिक्र मत करो. करण, करण, यू आर हियर. मैं आपको कहां कहां नहीं ढूंढ रही हूं. What happened, baby? बस, always you are playing, playing, playing. You don't have time for family. कभी घर वालों के बारे में सोचा है? अरे क्या हुआ बेबी, बोलो ना. हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है. मैं तो बस वो राज के बारे में. क्या? क्या हुआ राज को? अरे राज को कुछ नहीं हुआ. अब वो बड़ा हो गया है, आपको उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए. अरे अभी तो उसकी खेलने कूदने की और एंजॉय करने की उम्र है. बस, मुझे बिल्कुल ये तुम्हारी बात पसंद नहीं है. देख लेना, उसको एक दिन हम ऐसे ही खो देंगे. ओह नो, मिस्टर बॉल. और इस बॉल को जैसे आज मिस किया ना, एक दिन उसको भी ऐसे ही मिस कर दोगे. व्हाट यू सेइंग? अरे कम ऑन बेबी, गिव मी द स्टिक. द स्टिक बेबी. ऐसे एक बात बताओ, तुमने नताशा के बारे में क्या सोचा है? Oh, I miss the ball. खेल खेलते समय खिलाड़ी का अपना ध्यान टारगेट क्या है उस पे ध्यान रखना चाहिए. Oh, I see. ना कि यहां वहां. Got it? वैसे करण मल्होत्रा का निशाना कभी चूकता नहीं. माय स्वीट हार्ट डार्लिंग, वो तो वक्त बताएगा कि कब किसका निशाना कहां चुकेगा. वैसे तुम नताशा के बारे में बात कर रही हो ना? ओह माय गॉड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट. हाँ, क्यों नहीं, आखिर हस्बैंड किसका हूं? माइन. ठीक है, मैं आज ही रात से बात करता हूँ नताशा के बारे में. Wow, so sweet. अरे शबनम, मेरी बात तो सुनो. शबनम, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं पहुंच रहा हूँ यार. अरे बाबा मुझे माफ कर दो. शबनम प्लीज, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ. अरे राज. हाँ भैया. एक नहीं जा रहे हो? हाँ भैया. नहीं नहीं भैया. मतलब? हाँ भैया, जा रहा हूँ. चलो छोड़ देता हूँ. नहीं भैया, मैं चला जाऊंगा. अरे बैठो बैठो, और सब कैसा चल रहा है? हाँ भैया, आप कुछ बात करने वाले थे. शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी? ओ कम ऑन भैया, अभी तो मेरे एंजॉय करने के दिन हैं. आई नो, बट तुम्हारी भाभी तुम्हारी शादी को लेकर बहुत परेशान थी. नताशा के बारे में क्या ख्याल है? शी इज वेरी ब्यूटीफुल, नाइस. तो तुम्हारे लिए बात करूँ? मेरे लिए? नहीं भैया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं. ऐसा कुछ रहा ना तो मैं आपको बता दूंगा. पता नहीं कहाँ है. आज तो गया.
हाय शबनम। शबनम क्या है ना, आने में थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर? पूरे दो घंटे से मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। घड़ी घड़ी पहनना भूल गया। कौन सी नई बात है, तुम तो हमेशा ही ऐसा करते हो। ऐसा लगता जैसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हें। नाराज हो? हाँ। ज्यादा नाराज हो? हाँ। बहुत ज्यादा नाराज हो? कितनी बार बोलूं हाँ, समझ में नहीं आता। एक बार में तुम्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है शबनम, सच बात यह है कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच नहीं सकता। ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हें। शबनम ऐसे नाराज होगी तो कैसे चलेगा? अरे अभी तो हमें अपने सपने पूरे करने हैं, पूरी जिंदगी बितानी है, और ऐसी नाराजगी? ये सच नहीं हो सकता राज, हमारे और तुम्हारे बीच एक ऊंची दीवार है, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तोड़ दूंगा, मैं ये दीवारें तोड़ दूंगा, मैं सारे बंधन तोड़ दूंगा, मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता शबनम। देखो शबनम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। या अल्लाह, शबनम ने मुझसे झूठ बोला। क्यों, कहाँ गई थी, इतनी देर क्यों हो गई? कैसे कहूँ, जवाब क्यों नहीं देती? अम्मी वो मेरी सहेली है ना शब्बो, उसी से मिलने गई थी। शब्बो या राज? राज? अम्मी बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इस नाते तुम्हें समझा रही हूँ। राज को मिलना रोज रोज ठीक नहीं है, आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। अम्मी आप राज के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अरे राज ऐसा नहीं है। अम्मी आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है? अम्मी मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। आप यही चाहती है ना कि मैं राज से ना मिलूं? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं राज से कभी नहीं मिलूंगी, कभी भी नहीं। शबनम, शबनम मेरी बात तो सुनो। शबनम मैंने शबनम कह दिया ना, आज के बाद तुम मुझे फोन नहीं करना। मुझे क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? शबनम मेरी बात तो सुनो, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे नाराज हो? बस आज के बाद ना तो तुम मुझे फोन करोगे और ना मैं तुमसे मिलने आऊंगी। शबनम शबनम से क्या बात है शबनम मुझसे? कुछ तो बात जरूर है। ऐसे नाराज होगी तो कैसे चलेगा? ऐसी क्या नाराजगी हो सकती है? राज हाँ
राज का फोन है? नहीं अम्मी। बेटा, मैं कितने दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत परेशान हो। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। राज, मुझे माफ करना। तुम मुझे समझने की कोशिश करो राज। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया राज? शब्बो, आखिर ऐसी क्या बात है शब्बो? शब्बो, मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते शब्बो? आखिर वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? कुछ तो बताओ शब्बो। जानना चाहते हो तो सुनो, सच ये है कि वो तुमसे कभी मिलना ही नहीं चाहते। लेकिन ऐसी क्या दिक्कत आ गई शब्बो? वो मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते शब्बो? मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। कितनी खुद घर सो गई हो तुम, कभी सोचती हो उसके बारे में? कितना तड़प रहा है वो तुम्हारे लिए। क्या सोचा है तुमने? एक तरफ राज, दूसरी तरफ अम्मी, किसे चुनोगी तुम? अम्मी, अम्मी, एक बार फिर से सोच लो। सोचना क्या और समझना क्या? मैं राज को छोड़ सकती हूँ, लेकिन अम्मी को नहीं। राज, आज मैं तुम्हें ऐसी सरप्राइज दूंगी, तुम भी याद रखोगे। शबनम। शबनम? कौन है ये शबनम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? राज, why are you avoiding me? I really love you. प्यार? तुम जैसी लड़कियाँ प्यार करेंगी? क्यों राज? आखिर क्या कमी है मुझ में? मैं सुंदर हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, और क्या चाहिए एक लड़की में? क्या चाहिए? तुम जैसी लड़कियों को दौलत वाला लड़का चाहिए। तुम्हें मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार है। How dare you? I will. एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे आस पास भी घूमना मत, समझी? तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। इंसल्ट? तुम्हें पता है इंसल्ट किसकी होती है? जिसकी इज्जत होती है। और तुम्हारी? शबनम। इस शबनम को राज की जिंदगी से उखाड़ के न फेंक दिया तो मेरा नाम भी रिया मल्होत्रा नहीं। ड्राइवर, गाड़ी रोको। आउट। चलो ड्राइवर। शबनम, अगर राज हाथ से चला गया तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। राज मल्होत्रा, तुम मुझे नहीं जानते। ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ, और तेज। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं, कीमत है। कीमत? कीमत? या तेरी बेटी की कीमत। बाय द वे, तुमने कितने में सौदा किया अपनी बेटी का मेरे देवर राज के साथ? लाख, दो लाख, दस लाख, बीस लाख? ए! खबरदार, मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो। बुरा लगा? बहुत बुरा लगा। अरे तुम लोगों की औकात ही यही है, रहते तो झोपड़े में हो लेकिन सपने देखते हो महल के। बोल दे अपनी बेटी को सपने देखना बंद कर दे। क्या नाम बताया तुमने अपना? रिया करण मल्होत्रा। रिया करण मल्होत्रा? अरे रिया बोलो सिर्फ रिया, करण मल्होत्रा तो खुदा है खुदा। ओ, तुम उसकी वो क्या बोलते हैं, दूसरी बीवी हो ना? उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कीप रखेल हो तुम। खबरदार, मेरे ईमान को ललकारा। धप्पा हो जाए यहाँ से। धप्पा, धप्पा, धप्पा। मेरा अपमान, रिया मल्होत्रा का अपमान। दूसरी बीवी हो ना? उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रखेल हो तुम। ड्रिंक।
रखेल रखेल होटल रखेल होटल खेप रिया करण मल्होत्रा केप वाइफ आई एम सेकंड वाइफ आई डोंट लाइक दिस केप I was supermodel. Right now I'm model. Karan Malhotra like my foot. Maine to ye shaadi sirf it. He's beautiful. Empire ke liye ki thi. Karan Malhotra. करण मल्होत्रा से मैंने कहां शादी की? How can she say? I'm not keep. चलो मेरे साथ चलो। राज, छोड़ो मेरा हाथ। क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया है? हाँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ हाँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मैं पागल हो चुका हूँ। क्या, क्यों, क्यों, क्यों फोन नहीं उठा रहे हो तुम? हाँ, चल, चल। खबरदार मेरी बेटी का हाथ पकड़ा तो। तुझे मेरी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? और प्यार से जिंदगी नहीं चलती। और तुम कितना कमाते हो? 100, 200, 5,000, 10,000? अरे पैसों में खेलने वाले लड़के, अरे अपने भाई के पैसों पे घमंड करने वाला, तू क्या जाने प्यार क्या होता है? पहले अपनी हैसियत बना, अपना वजूद बना, फिर मेरी बेटी का हाथ पकड़ना। चल शबनम। अम्मी, राज, अम्मी सुनो तो, अम्मी प्लीज, राज, अम्मी सुनो मेरी बात, अम्मी मेरी बात सुनो ना। भैया, अरे राज, भैया मुझे आपसे बात करनी है। हाँ चल, बैठ गाड़ी में। नहीं भैया, मुझे अभी बात करनी। भैया अभी क्या बात है? हाँ? तू परेशान क्यों लग रहा है? बता ना। अरे बोल ना, क्या बात है? भैया मेरा वजूद क्या है? भैया मेरी हैसियत क्या है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? हाँ, रिया ने कुछ कहा है? किसी और ने कुछ कहा है? फिर तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। बता ना क्या बात है, बता ना। भैया मैं कौन हूँ? भैया तू मेरा भाई है, मेरा बेटा है, तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है तू। नहीं भैया, आज तक तो मैं आपके पैसों पर पला बड़ा हूँ, मेरा वजूद ही नहीं। बाबा, को बताएं दर्द हमारा, किसको सुनाएं? हालात ने कैसे दिन दिखलाए, अब तो ये कैसे जीऊं अब तेरे बिना रे मन बाब रे मन बाब रे धीर नाद रे धीर नाद रे मन बावरे
पाए। जिया जिया बुरा कहे घबराए, कर दीजिया का जाने ना सावरे। चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहा है मेरी बेटी का सौदा करने? मम्मी, यही कहा था ना तुम्हारी भाभी ने, कहाँ लेके जा रहे हो? अपने घर। क्यों? इसे अपनाने। वजूद क्या है? राज मल्होत्रा। संभाल पाओगे? जिंदगी भर। कहना आसान है, करना मुश्किल। मैं हर मुश्किल आसान कर दूंगा। संभल पाओगी? अम्मी, मैं राज के हर सुख दुख में उसका साथ दूंगी। आखिरी फैसला है अम्मी, आपके दिए हुए संस्कार में मैं हमेशा खरी उतरूंगी, आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। आमीन। आमीन। बेटी, शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर होता है। जी अम्मी, चलो राज। और एक बात, माँ बाप के घर से बेटी की डोली जाती है और पति के घर से अर्थी। यही रीत है और यही धर्म है, चलो राज। लेकिन रिया, उसके लिए मुझे राज से बात करनी पड़ेगी। अरे, राज ने कभी आपकी बात को इनकार किया है क्या? मेरी मर्जी आपकी मर्जी और आपकी मर्जी राज की मर्जी। ओह थैंक यू दी। आई एम सो एक्साइटेड, मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को कॉल करने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे राज से बात करनी ही पड़ेगी ना। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस राज है कहाँ? मैं यहाँ हूँ भैया। राज, और ये कौन है? शबनम। शबनम? शबनम? हाँ भैया, ये मेरी जीवन संगिनी है। जीवन संगिनी? जीवन संगिनी? हाँ। राज, शादी कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। कि तुम किसी को भी उठा के लाके बोल दो कि मेरी जीवन संगिनी है, उसको हम इस घर की बहू एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी इस समाज में इज्जत है, रुतबा है। ये दो टके की झोपड़पट्टी की लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं मानते। शबनम, भाभी के पैर छुओ। क्या नाम बोला? शबनम। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। शबनम। यानी कि ये लड़की मुस्लिम है? वाह, वेरी गुड, वेरी गुड राज। देख लिया, जिस भाई को तुमने बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसने एक दूसरे धर्म की लड़की इस घर में लाके हमारी नाक कटवा दी, हमें बदनाम कर दिया इस दो टके की लड़की की वजह से। डॉक्टर करण, इन दोनों ने मिलके आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। भैया, भैया ये अनाथ है भैया, भैया ये गरीब है, इसकी एक मुंह बोली माँ है भैया। भाभी, मुंह बोली माँ नहीं, एक सगी माँ से भी बढ़कर है। और आप जिस धर्म की बात कर रही हैं, उसी धर्म का खून मेरे रगों में भी बह रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, आज तक मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, वही मेरी अम्मी है। हाँ भैया, इसका नाम राधा है। वाओ, तुमने कहा और हमने मान लिया। भैया, आप सारे धर्म को एक समान मानते हो ना, कभी भेदभाव नहीं करते हो ना। भैया प्लीज, इसे अपनी बहू मान लो भैया। इसका धर्म क्या है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। बस ये मेरे भाई की खुशी है, तो मुझे यह शबनम बहू के रूप में स्वीकार है। और पगले, तू कब बड़ा हो गया? मुझे मुझे तेरे फैसले पे गर्व है। मैं बहुत खुश हूं तेरे इस फैसले से कि तू दौलत के पीछे न भाग के किसी गरीब घर की लड़की को इस घर की बहू बना लाया।
थैंक यू भैया। और मुझे मुझे ऐसी ही सुंदर और सुशील लड़की की चाहती तुम्हारे लिए। शबनम, आज से ये घर तुम्हारा है, आज से तुम भी इस घर की मालकिन हो। जी भैया। जा, जा। लेकिन करण। बस। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। दीदी, अब क्या होगा? तू चिंता मत कर, अब वही होगा जो रिया मल्होत्रा चाहेगी। उस 2% की लड़की के लिए करण मल्होत्रा ने मेरी इंसल्ट की है, मेरी इंसल्ट एक सुपर मॉडल की इंसल्ट की है। बस बस करण मल्होत्रा, तेरी उल्टी गिनती शुरू कर दे। तू तो गया गया। मोना, 5:30 में सुबह घर पे आई हूँ। यू नो आई एम टू मच बिजी इन माई वर्क यार, सॉरी बेबी। घर के सारे काम, जिम्मेदारी, सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। लोग जिम्मेदारी लेते हैं लेकिन निभाना नहीं जानते। चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ए लड़की, बात है, बड़ी महारानी बनके घूम रही है। ये टाइम है चाय का? कितना 8 बज रहा है और तुम ये चाय इस टाइम मुझे लाके दे रही हो? कल से घर का सारा काम टाइम से हो जाना चाहिए, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी ना कि तू अपनी शक्ल नहीं पहचानेगी। भाभी, घर का काम तो मैं ही सब करती हूँ। खाना बनाना, चाय देना, आपका नाश्ता तैयार करना, सब तो मैं ही करती हूँ भाभी। फिर आपको शिकायत किस बात की है? मुझसे मुझसे सवाल लड़ाती है, मुझसे सवाल लड़ाती है। छोड़े, आज तक किसी की हिम्मत ने भी मुझसे सवाल लड़ा पाए, वरना तेरे को तेरी अम्मी के घर पे ना ये हुलिया खराब करके भेज दूंगी। चल अभी मुझे। और क्या करेगी? रात से शिकायत करेगी, करण से शिकायत करेगी, क्या करेगी तू? तू कुछ नहीं कर सकती। चल फटाफट घर का काम कर। हाँ, खड़ी मत रह, गो फ्रॉम हियर। जुबान लड़ाती है। अरे जल्दी जल्दी बनाओ, बड़ी मालकिन के लिए डाइट फूड बनानी है। जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी करो, जल्दी बनाओ। मोर की पंखी तरह क्या कर रहे हो? जल्दी बनाओ। क्या कर रहे हो? सुंदर भैया, ये सब इसमें डालो फटाफट। मालकिन, अरे सुंदर भैया हटिए, मैं देखती हूँ आपने किया क्या अब तक। भाभीजी हम कर रहे हैं, हम कर लेंगे, आप क्या कर रहे हो? नहीं सब, क्या कर रहे हैं? लेट हो जाएगा। भाभीजी आप चिंता मत, डाइट फूड बनाना है ना, जल्दी करो, फटाफट करो। अरे जल्दी करो। क्या हो रहा है किचन में, इतना शोर क्यों है? और हाँ, कितना टाइम लगेगा खाना बनाने में? भाभी 1/2 घंटे में तैयार हो जाएगा। मुझे लेट खाना खाने की आदत नहीं है, 10 मिनट के अंदर अंदर खाना मेरे टेबल पर पहुँच जाना चाहिए। लेकिन बड़ी मालकिन, 10 मिनट में खाना कैसे बनेगा? जब हम बात करते हैं बीच में बोला मत करो। Go from here. जी। तू डाइट का खाना बना रही है ना मेरा? क्या है ये? मिर्ची, नमक, तेल, ये केला, क्या है ये सब? ये है खाना? भाभी मेरे आने से पहले सुंदर भैया ये सब काम कर रहे थे, मैं अभी अभी आई हूँ, मैं आपका डाइट फूड ही तैयार कर रही थी। ओ, तो अब तू मुझसे बहस भी करेगी, देखो बोलना भी आता है। मुझे भूख लगी है। भाभी अभी अभी तो मैंने आपको चाय दिया था। ओ अच्छा, वाओ वेरी गुड। चाय, पानी, नाश्ता, डिनर, मतलब तू सब चीज का हिसाब किताब रखेगी? तेरी इतनी औकात हो गई है? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो क्या था तुम्हारे कहने का मतलब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे अभी चाय दिया था? हिम्मत कैसे हुई? भाभी आपने जो मुझे बताया वो मैंने सुंदर भैया को बताया, तो वो जुबान मत लड़ा मुझसे, मुझसे जुबान मत लड़ा, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तेरी अम्मी भी तुझे पहचान नहीं पाएगी, तेरी अम्मी के घर तुझे भेज दूंगी। भाभी शट योर माउथ, जब मैं बोलती हूँ तो चुप रहना,
के बड़े लोग कैसा खाना खाते हैं। पहले जा अपने घर खाना बनाना सीख। और ऐसे भी तू इस घर में नौकरानी बनाने के लिए लाई गई है, महारानी नहीं। आप बार बार मेरी अम्मी को बीच में मत लाया कीजिए। और बाय द वे आप ही का डाइट फूड बन रहा है। डाइट फूड बाय द वे अंग्रेजी भी बोलती है। मेरा डाइट फूड और खाना 10 मिनट में मेरे टेबल पर आ जाना चाहिए। और सुनो, चलो सब बाहर निकलो, सब बाहर निकलो यहाँ से। मैंने कहा जल्दी से किचन खाली करो। समझ में आया किचन क्यों खाली करवाया? आज से इस घर का सारा काम तू खुद करेगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ। इस घर की नौकरानी बनने आई है, महारानी बनने के सपने मत देखना। छोटी मालकिन आप प्लीज खाना बना लेना। मेरे जूते साफ कर, चल निकल यहाँ से, चल। मुझे माफ कर देना। अम्मी, क्या गुनाह किया था मैंने? आपके दिए हुए संस्कारों में मैं खरी नहीं उतर पाई। अम्मी, मैंने बहुत प्यार दिया इन लोगों को, आपसे भी ज्यादा। मैं आपके भरोसे को नहीं तोड़ सकती अम्मी। मुझे माफ कर देना अम्मी, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं है। नहीं मालकिन, आप मेरे लिए किचन में आई और आपका हाथ जल गया। मालकिन आपका हाथ जल गया। सुंदर, ये तो मेरे कर्मों की सजा है। कर्मों की? मालकिन आपके कर्मों की नहीं, कर्म तो उस टाइम के खराब है, उस टाइम के। सुंदर, अपने से बड़ों के लिए ऐसी बातें नहीं करते। वह छोटी मालकिन, वह धन्य है वो माँ जिसके कोख से आपने जन्म लिया, धन्य। क्या हुआ, ये सुंदर रो क्यों रहा था? कुछ नहीं, बस उसे अपने घर की याद आ गई तो वो मुझसे बात करने चला आया। घर में कुछ बात हुई है क्या? नहीं तो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। आज घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? हाँ, वो बिजनेस के बारे में थोड़ी मीटिंग थी। तुम क्या हुआ? दिखाओ, दिखाओ। कुछ नहीं राज, अरे कुछ भी तो नहीं। ये क्या हो गया, कैसे हुआ ये? अरे ये तो कुछ भी नहीं, किचन में खाना बना रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसलिए बस चल गया। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे कुछ करना होगा। राज, राज! जाना चाहिए। तो क्या तुम मुझे इन पैसों से खरीदना चाहती हो? पैसों से नहीं, अंधश्रद्धा से खरीदना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, तो काम बोलो। काम ये है, राज से ऐसी करनी करो कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। ये राज कौन है? तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो, बाकी के पैसे काम होने पे मिल जाएंगे। जीवन संगिनी,
अब देखती हूँ कि तेरी जिंदगी में स्वर्ग है या नरक। राज, तेरी जिंदगी को मैंने ना राज बना दिया तो मेरा नाम भी रिया नहीं। शबनम, शबनम। भैया देखो ना राज को क्या हो गया। भाभी, भैया देखो ना राज को क्या हुआ। क्या हुआ राज को? राज तुम ठीक तो हो ना राज? क्या हुआ मुझे? मैं तो ठीक हूँ। लेकिन अभी अभी तो तुम अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। तुम कहाँ थे? इसीलिए मैं भैया भाभी को बुलाने गई थी। शबनम, राज तो बिल्कुल ठीक है। तुम इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो? ये सब स्ट्रेस का नतीजा है। सारे घर में दिन भर काम करती रहती हो इसलिए ये सब सोचती रहती हो। अरे घर में नौकर है, चाकर है। क्यों राज, सब है ना घर में। जब नौकर चाकर है तो क्या जरूरत है काम करने की? पूरा घर संभालो। किस लिए? बच्चा रिलैक्स करो, समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? रिलैक्स करो, ओके? आई एम गोइंग। भैया, भैया राज, राज को कुछ हो गया भैया। आई थिंक सो रिया ठीक कह रही है, तुम्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। कर दिया ना परेशान सबको? मैं पहले से परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो, प्लीज सो जाओ। राज लेकिन तमाशा लगा रखा है। हाँ ठक्कर साहब, ठक्कर साहब दो दिन की मोहलत दो ठक्कर साहब। हाँ दो, हाँ दो दिन में हो जाएगा। हाँ हाँ डील डील। अरे आज कैसे क्या होगा ठक्कर साहब, एक ही दिन में। हेलो 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 ठक्कर साहब बिना क्या करूँ कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तुम क्या बात है राज, तुम कुछ परेशान हो? नहीं राज, मैं तुम्हें कल रात से देख रही हूँ, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। मैंने कहा ना कुछ नहीं। और ये ठक्कर कौन है? मैंने कहा ना कुछ नहीं। भैया भैया। हाँ राज, मुझे बात करनी है भैया। राज आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल बात करते हैं। नहीं भैया, मुझे अर्जेंट बात करनी है भैया। ऐसी क्या बात है जो इतनी अर्जेंट है? भैया मुझे 50 लाख चाहिए भैया। 50 लाख? बस इतनी सी बात? 50 लाख? 50 लाख चाहिए तुम्हें? लेकिन
इन 50 लाख का करोगे क्या? भैया मुझे अपना वजूद बनाना है भैया, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस? राज तुम जानते हो ना कि बिजनेस के तौर तरीके सीखना अभी तुम्हें बाकी है, और बिजनेस करना कोई खेल नहीं है। और फिर भी तुम्हें अगर बिजनेस करना है तो मैं कुछ तुम्हें नेटवर्क दे रहा हूँ। भैया मेरी डील हो चुकी है। डील हो चुकी है? किससे? मिस्टर ठक्कर से। मिस्टर ठक्कर? वो एजेंट? अरे तुम जानते नहीं हो, फ्रॉड आदमी है। वाह, आपको तो मेरे कॉन्टेक्ट, मेरे फ्रेंड सब फ्रॉड ही लगेंगे ना। अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। मेरे लिए 50 लाख इम्पोर्टेंट है, ये मेरे लिए तू इम्पोर्टेंट है, कहीं तू कहीं फंस ना जाए। अगर फिर भी तुझे 50 लाख चाहिए तो मैं अपने अकाउंटेंट को बोल देता हूँ, चलो ले लो उससे। थैंक यू भैया। मिस्टर ठक्कर। ठक्कर साहब। हाँ क्या हुआ रे, कब से तेरी मच सुन रहा हूँ, क्या हुआ? कहाँ से आया? आ गया वो? हाँ देख, टक्कर से मत लेना टक्कर, वरना आ जाएगा चक्कर। क्या, जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर, वरना भेजता हूँ तेरे बेटे की मुंडी। चल फोन रख। ठक्कर साहब। क्या है? ठक्कर साहब मैं। कौन है रे तू? ठक्कर साहब मैं राज मल्होत्रा। अरे कौन राज? वो राज कंपनी ऑफ, आप ही ने तो कहा था। अरे ऐसी तो लाखों कंपनियां है हमारे पास, कौन है राज? वो 25 पेटी का इंतजाम। क्या 25 पेटी का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया, करवा दिया। हाँ तू तो गया। क्या? अरे बन गया टाइकून बिजनेसमैन, राज ग्रुप ऑफ कंपनी। सच में? चल खिसक। हाँ गेम जो शाह भाई, थैंक यू। हाँ वो 10,000 एकड़ जमीन खोलो। हाँ वो 10,000 एकड़ जमीन ले लिए सर। हाँ हाँ हो जाएगा सर, बस आप पैसे खाली खाली ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। हाँ तुम्हारी है भाई। क्या बात है, बोलो ना। क्या बोलूं? शबनम के बढ़ते डिमांड्स, आई कांट टॉलरेट दिस गर्ल। तुम चिंता मत करो, मैं राज से बात करता हूँ। भैया राज मेरी बात सुनो। तुम चुप रहो राधा, मुझे अभी बात करनी है। क्या बात है राज? नहीं छोटे मालिक, ये सही वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। चुप रहो सुंदर, नौकर हो नौकरी बनकर रहो। राज सुंदर भैया, सुंदर राज, क्या किया ये तुमने? ये क्या बदतमीजी है राज? भैया जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। वाह क्या बात है, देखा करण आपका प्यारा भाई तो बात करने की तमीज तक भूल गया है। भाभी ये मेरे और भैया के बीच की बात है, आप इंटरफेयर ना करो तो ही अच्छा है। ओह, जब से तुम्हारी शादी शबनम से हुई है तब से तुम बिल्कुल बदल गए हो। मुद्दे की बात करो राज, क्या बात है बोलो। भैया मुझे 25 लाख चाहिए। 25 लाख? व्हाट 25 लाख? अभी पिछले हफ्ते तुमने 50 लाख रुपए लिए थे और अब ये 25 लाख क्यों? ओ, अब समझ में आया तुम्हें 25 लाख रुपए क्यों चाहिए। ये मैडम के कपड़े, फैशन, ब्यूटी पार्लर, इन सब के लिए चाहिए, इन गहनों के लिए चाहिए। यू आर राइट दी, मैंने इसे फोन पे बात करते हुए सुना था, ज्वेलर से बोल रही थी कि इसे 1 करोड़ का रियल डायमंड ज्वेलरी चाहिए। नताशा शट अप, क्या बोल रही हो तुम? व्हाटएवर, अरे ऊपर वाले से तो डरो। 1 करोड़ का रियल डायमंड की ज्वेलरी? देखा करण, मैंने कहा था ना ये सारे पैसे शबनम पर खर्च करता है। Enough. राज क्यों चाहिए तुम्हें 25 लाख रुपए? राज ग्रुप ऑफ कंपनी बनाने के लिए उस ठक्कर को देना है। उस ठक्कर को देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
क्यों, आपको डर लगा? लगेगा ही, डर तो लगेगा ही ना, हम दोनों भाइयों के बीच में जो कंपटीशन चलने वाली है। कंपटीशन? अरे तू आगे बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। तो दो 25 लाख। नहीं। क्यों? मेरा भी इस प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा बनता है। What? क्या बात कर रहे हो, हिस्सा? इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा? ये जितनी भी प्रॉपर्टी है इन्होंने खुद अपनी मेहनत से कमाई है। अरे तुम्हारा खुद का वजूद क्या है जो तुम इनसे पैसे मांग रहे हो? या, मुझे अपना वजूद बनाना है इसलिए मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। भैया मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। भैया मुझे 25 लाख दोगे कि नहीं? राज। नहीं। भैया मुझे 25 लाख रुपए दोगे कि नहीं? आई सर नहीं। भैया मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, 25 लाख दोगे या नहीं? एक 25 लाख रुपए के लिए? चलो राधा, अब हमें एक मिनट भी नहीं रुकना यहाँ। नहीं राज, यहाँ से मेरी अर्थी उठेगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे ये क्या हुआ? वाह पतिव्रता, मैंने तो देर कर दी तुम्हें समझने के लिए। I said get out from here. करण मल्होत्रा, तुझे मैंने अपना वजूद बना के नहीं दिखाया तो मेरा नाम राज मल्होत्रा नहीं। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। जाएगा। क्या कमी रह गई थी बाबा, क्या कमी रह गई थी मेरी इबादत में। मैं और मेरी अम्मी दिन रात आपकी इबादत करते रहे, फिर भी क्या कमी रह गई थी बाबा। आप मेरी गलतियों की सजा राज को क्यों दे रहे हो बाबा? Thank you.
तड़पाए, जिया जिया मुरा कहे घबराए, दर्द जिया का जाने ना सावरे। Hey, hey, hey.
वसूल करता है कसाई समझ गए। एक बात याद रखना, बादशाह भाई अपने जुबान और उसूल का बहुत पक्का है। भाई वो 25 पेटी। ए! छोटी बात मत कर। 25 पेटी मांगता ना? हाँ भाई। हो जाएगा। इसकी गारंटी कौन देगा? भाई अपुन देगा ना? भाई पैसा देना भी जानता है और लेना भी जानता है। या सैलानी बाबा, न जाने मेरी बच्ची वहाँ किस हाल में होगी। अम्मी आप तो बेवजह फिक्र कर रही हैं। शबनम इतने बड़े घर में गई है, राज करती होगी राज। इसीलिए तो फिक्र हो रही है। अम्मी डॉक्टर करण आखिर कितने नेक बंदे हैं। उनके रहते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर सैलानी बाबा भी तो हमारे साथ हैं। देखना हमारा सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। आमीन। जी। इधर आ बैठ। औकात नीचे बैठ। नीचे चल, थोड़ा आगे आ। पैर क्या यहाँ रखूंगी क्या? पैर दबा। हट। दिन भर इतनी रोटियां खाती है, तेरे शरीर में ताकत नहीं है क्या? बेटा सैलानी बाबा के चमत्कार को दुनिया मानती है, उनमें बड़ी शक्ति है। मैं चाहती हूँ कि आप सैलानी बाबा की दरगाह पर जाके एक बार दुआ मांगो, वो सब ठीक कर देंगे। वो राज बेटी को भी राह पे ले आएंगे। तो आप ये कह रही हैं कि मैं सैलानी बाबा की दरगाह पे जाऊं, वहां दुआ करूं और मेरा भाई राज वापस आ जाएगा? हाँ। किस जमाने में आप जी रही हैं? ये मॉडर्न जमाना है और आपकी ऐसी बातों से अंधविश्वास को कितना बढ़ावा मिल रहा है आपको ये पता है? मैं एक डॉक्टर हूं, टेक्नोलॉजी में जीने वाला, और आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं? शबनम आपकी बेटी है तो राज मेरा भी बेटा है, मेरा कलेजा है वो। क्या मुझे चिंता नहीं होगी उसकी? मुझे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां जाएं और ऐसी बातें करें और ये करें। ये तो राज थोड़ा इस समय भटक गया है। सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं। बोल बच्चा। बाबा। क्या काम है? अब सुनो ध्यान से, तुमको मेरी देवरानी में करनी करनी है, उसका ऐसा हाल करना है, ऐसा हाल करना है कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। हो जाएगा बच्चा, तेरा काम हो जाएगा, लेकिन तेरे पैसे। हाँ पैसे पहुंच जाएंगे, पहले ये काम अभी इसी वक्त शुरू कर। Oh, my God.
छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ूंगी तुझे। अरे सूर्य भैया, आप आप कब आए? एकातासा पूर्वी आलोय में एक घंटे से आया हूँ मैं। बहुत अच्छी नींद लगी। वो क्या है ना सूर्य भाई, बहुत बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है ना। बिजी या फिर डिस्टर्ब, अपने धंधे का असूल है डॉक्टर, इन्वेस्टमेंट से पहले रिकवरी बहुत जरूरी है। जय राम जी की। बोल बच्चा, क्या काम है? तू मेरा काम करेगा? मेरी बेटी के ऊपर काला जादू करके तू क्या अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक समझता है? अच्छा तो वो तेरी बेटी है? हाँ वो मेरी बेटी है, पर एक बात याद रखना, सैलानी बाबा की शक्ति के आगे तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। तू मेरी शक्तियों के बारे में नहीं जानती। मैं जिसे चाहूं उसे बर्बाद कर सकता हूं। तू क्या बर्बाद करेगा मुझे पापी? बर्बाद तो तू होगा क्योंकि तेरे पाप का घड़ा भर चुका है और एक माँ की बद्दुआ है कि तू तड़प तड़प के मरेगा। मैं तड़प तड़प के मरूंगा? तू मुझे क्या मारेगी? मैं मौत को वश में कर सकता हूँ। तेरा तो सैलानी बाबा ही इंसाफ करेंगे, मुझे मेरे सैलानी बाबा पे पूरा भरोसा है, वो ही तेरा इंसाफ करेंगे। देखो शबनम, कल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। आई नो, तुम्हारी सिचुएशन में समझ सकता हूँ कि तुम्हारे हालात क्या हैं। वी हैव टू फाइट दिस सिचुएशन। तुम्हें हौसला और हिम्मत रखनी होगी। समझ रही हो ना शबनम मैं क्या कह रहा हूँ? शबनम, शबनम, ठक्कर साहब, तुम्हें डायल केलेला नंबर बन रहा है, कृपया द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ये मैंने क्या कर दिया? भाई ने मना किया था कि ठक्कर फ्रॉड है, सुल्तान को फोन करता हूँ। हेलो सुल्तान, तू कहाँ है? मुझे अभी के अभी मिलना है। हाँ मैं आ रहा हूँ। तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे सुल्तान कहाँ मर गया था यार तू? वो ठक्कर कहाँ है? मेरा 50 लाख का नुकसान हो गया यार। हाँ तो मैं क्या करूँ? अरे तूने ही तो मिलाया था मुझे। जिस तरह तेरे 50 लाख रुपए डूब गए उस तरह मेरे भी 25 लाख रुपए डूब गए और इस 25 लाख के चक्कर में मैं डूबता ही चला गया। मतलब ये कि जिस तरह तू फंसा है उस तरह मैं भी फंसा हूँ और तुझे फंसाने के लिए मुझे कहा गया था।
अब इसका हिसाब बादशाह भाई करेंगे। अरे यार, मैं तो बर्बाद हो गया। भैया ने सही कहा था, वो ठक्कर फ्रॉड निकला। अब किसका फोन? बादशाह भाई। मेरा फोन काट देता है। बादशाह भाई का फोन कट करने किसी ने जरूरत नहीं की। अब मैं क्या करूं? बादशाह भाई सबकी कुंडली अपने हाथ में रखता है। डॉक्टर करण उसका ही भाई है ना तू? लेकिन शायद तू भाई के वसूलों को भूल गया। भाई पैसा देता है कर्ज समझकर, लेकिन लेता है कसाई समझकर। अम्मी आप फिक्र ना करें, बाबा सब ठीक कर देंगे। क्या गुनाह किया था जो सैलानी बाबा ने मेरे बच्चे की ये हालत कर दी? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप एक बार डॉक्टर करण से बात तो कीजिए, वो जरूर कुछ करेंगे। डॉक्टर करण? क्या बात है नताशा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं राज के बारे में बात करने आई थी। जब से वो गया है ना, न मुझे रात को नींद आती है और न दिन को चैन। देखिए मैं कितनी दुबली पतली हो गई हूँ, अब तो डैडी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैं कहती थी ना, वो चुड़ैल उसके लायक नहीं है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी और देखो क्या हो गया। तुम्हारा अगर बोलना बंद हो गया हो तो तुम जा सकती हो। नताशा, यहाँ से चले जाने में ही भलाई है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ए लड़की, लाई क्या मेरे पैसे? मुझे मेरे पैसे चाहिए पैसे। बाबा जी, मैं तो आपके पैसे देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति से जब भी पैसे मांगो तो मुझे बहुत बहुत गालियाँ देते हैं, मुझे बहुत सताते हैं, मुझे खाने के पैसे भी नहीं देते। आपको नहीं पता वो कितना तड़पाते हैं मुझे। ए लड़की, कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं बाबा जी, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी, आपको पैसे चाहिए ना। मुझे 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 मेरे पैसे चाहिए। पैसे चाहिए, पैसे बाबा चाहिए। तुमको तुम्हारे पैसे चाहिए ना। चौक-चौक करण पर ऐसी करनी करो, ऐसी करनी करो कि वो बर्बाद हो जाए। मैं तेरे डॉक्टर पे ऐसी करनी करूंगा, ऐसे बर्बाद करूंगा मैं तेरे डॉक्टर को कि तू देखती रहेगी। तू तो अब बर्बाद हो गया। प्रेम प्रेम चामुंडा विचई स्वाहा। तू नहीं जानता रिया वो जहरीली नागिन है कि जिसे एक बार डस लेना तो पानी भी नहीं मांगता। What डॉक्टर? समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टर, काले जादू को नहीं जानता डॉक्टर। मैं तुझे ऐसा बर्बाद करूंगा, ऐसा बर्बाद करूंगा डॉक्टर। तू अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगेगा डॉक्टर।
घटिया सोच है? How can I do? मैं ऐसा नहीं कर सकती भैया के साथ। तुम ऐसे कैसे सोच भी सकती हो? दी, अनकालू। अब तू देख डॉक्टर, मेरा जलवा।
सब क्या है? क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी मैं कर रही हूँ या तुम? What? Watch this video. अगर ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया तो क्या हो सकता है? तुम्हारी कंपनी के शेयर गिर सकते हैं। ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये कैसे? Oh my God! करण, ये तुम हो। This is you. Watch. तुम बखूबी जानते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। It's you, करण. This is real video. मैं नताशा से बात करूँ? नहीं, नताशा से मैं खुद बात कर लूंगी। देखो करण, मैं जानती हूँ राज को तुम्हें बहुत टेंशन है। वो बच्चा नहीं है। जब उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा वो खुद आ जाएगा। लेकिन उसके चक्कर में आप ऐसी हरकतें तो मत करो यार। रिया, मैं कैसे समझाऊं तुमको? देखो करण, अब मैं तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारा साथ दूंगी। क्या है ना, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। हाँ। तो आपका लंदन, दुबई, अमेरिका, इतना सारा बिजनेस है, तो मैं आपका साथ दूंगी, ठीक है ना? मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आई हूँ, आप उस पे साइन करो। ओह नो, कैसे कर सकता हूँ? करण, क्या बोल? करण, साइन करने के पहले एक बार पढ़ तो लेते। रिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा? आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। तुझको नहीं छोड़ूंगी शबनम। कैसे करे छोड़ूंगी शबनम? नहीं छोड़ूंगी तुझको शबनम। पहचाना तो सही, लेकिन आप यहाँ आना पड़ा है। बादशाह भाई को पहली बार तेरी खातिर यहाँ चल के आना पड़ा। मेरी खातिर? 25 पेटी तेरे भाई 25? को मैंने 25 पेटी दिया है। राज को 25 पेटी? की तो बात है बेटा, जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। सैलानी बाबा के करिश्मे को दुनिया मानती है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। नहीं मानता इन बातों को। भाग्य में जो लिखा होता है वो होके रहता है। भाग्य तो लिखा जा चुका है बेटा, अभी संभल जाओ।
वक्त है सैलानी बाबा की शरण में चले जाओ, उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगो, सैलानी बाबा सब ठीक कर देंगे। बाबा बाबा बाबा, अगर बाबा ही सब कुछ है तो हम डॉक्टरों की क्या जरूरत है यहाँ पर? अब निकल जाइए यहाँ से। आप भरोसा करो या ना करो, मुझे अपने सैलानी बाबा पे पूरा भरोसा है, वही मेरी बेटी को ठीक करेंगे। हाँ मैम, आपका काम हो चुका है मैम, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे मेरे पैसे तो मिल जाएंगे ना? सर आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? इट्स एन इमरजेंसी ऑपरेशन। सुंदर जी मालिक। अरे मालिक, ये आपने क्या हालत बना रखी है मालिक? मालिक, ये आपने क्या हालत बना रखी है मालिक? सुंदर। हाँ मालिक। तू मेरे भाई को ढूंढ के लाएगा? हाँ मालिक, ढूंढ के लाऊंगा। ये रखो तुम्हारे पैसे। पूरा मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला था ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। गलती करे छोटा भाई और भुगते बड़ा भाई। बात क्या है डॉक्टर, आजकल तुम्हारा ध्यान काम में कम कहीं और ज्यादा रहता है, क्या बात? मुझे माफ कर दीजिए बजाज साहब, बस कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो मेरे हालात कुछ ऐसे हैं, लेकिन 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 क्या डॉक्टर, मैंने करोड़ों रुपए खर्च करके ये हॉस्पिटल बनवाया है, मैं किसी भी कीमत पर इसे बर्बाद होते नहीं देख सकता। बजाज साहब आप चिंता मत कीजिए, आपने मुझ पे भरोसा किया है, मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। ओ अच्छा डॉक्टर, सुना है आपके भाई और उसकी बीवी घर छोड़कर चले गए। बजाज साहब ये मेरा निजी मामला है और मेरे निजी मामले में कोई दखलंदाजी करे वो मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। डॉक्टर गुस्सा करना सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन याद रखना मैं पैसा देना जानता हूँ और लेना भी जानता हूँ। इमरजेंसी ऑपरेशन। अरे फाड़ में क्या होना चाहिए? ओह माय गॉड, आई एम सॉरी सर। राज का पता चल गया? राज, अब तो तू गया। Thank you.
हेलो, तेरा काम हो गया है, बोल। बाकी के मेरे पैसे तू कब देगी? आज पैसे पहुंच जाएंगे। आज शाम तक मेरे बाकी के पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी बर्बाद करके रख दूंगा। मुझे बर्बाद करेगा? मुझे? तू जानता नहीं है, तू जैसे न जाने कितने को बर्बाद मैं कर चुकी हूँ। माय डियर राज एंड स्वीट हस्बैंड करण, करण मल्होत्रा, राम लखन की जोड़ी। राम लखन की जोड़ी। ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। ओ स्वीट शबनम, तू ऐसी हो गई ना, क्या करूं, मजबूरी थी मेरी, क्योंकि जो मेरे बीच में आता है मैं उसे ऐसी कर देती हूं, क्योंकि ऑल प्रॉपर्टी एवरीथिंग माइन, ओनली माइन, नो वन कैन टच दिस एम्पायर। एक एक को बर्बाद कर दूंगी। और ये नताशा, oh my sweet sister, आज तो बेबी तुम्हारी कहानी भी फिनिश। एंजॉय योर लाइफ बहन। माय फुट, हाउ कैन यू से यू आर माय सिस्टर? रिया ओनली इस्तेमाल करती है एंड थ्रो कर देती है। गर, 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 गर। रात को बुलाने का क्या मतलब है? रिंगा, 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 रिंगा। काम था। तुम्हें जो भी काम है दीदी से बात करो, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये क्या कर रहे हो? और ये रखो अपने पैसे। या बाबा सैलानी, मुसीबत में पड़ी उस मासूम सी बच्ची को जालिम के चंगुल से बचा। क्या हुआ तुम?
क्या चाहती हो? भैया, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, और ये सब रिया दीदी ने मुझसे करवाया था। क्या? हाँ भैया। वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है? इतना सब तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। चलो घर चलो। नहीं भैया, मुझे एक और हिसाब करना है। एक और हिसाब? शबनम। शबनम? मुझे पता है कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं शबनम की जिंदगी संवार पाऊंगी, लेकिन मैं बस एक बार अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। शबनम को न राज समझ सका और न तुम्हारा परिवार, और अगर फिर भी तुझे प्रायश्चित करना है ना, तो जा शैलानी बाबा के दरबार में, वही तुझे सही राह दिखाएंगे। की मुझ पर कोशिश भी मत करना, समझे? रिया करण मल्होत्रा। आई एम ओनली रिया, यू नो व्हाई? तुम्हारे सारे एम्पायर को मैंने मेरे नाम कर लिया, और इसका मारा सबसे पहले बना तुम्हारा भाई राज। ओ, क्या करूं मैं? करना पड़ा। उस पे मैंने ऐसी करनी की कि वो बर्बाद हो गया, और वो शबनम, शबनम को पागल मैंने बनाया। मैंने उसकी वजह से तुमने मेरी इंसल्ट की थी, मेरी और ये दो भाइयों के बीच में, प्यारे प्यारे दो इक्कों के बीच में, एक इक्का मैंने छुपा के रखा था, ये ना वो इक्का थी नताशा, नताशा के साथ तुम्हारा वो रोमांटिक स्वीट सा वीडियो मैंने बनाया था। यस बेबी, मैंने, और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मैंने खुद तुमसे साइन करवाई। कम ऑन कर, तो गिर सकती हो। तुम इतने कमीने पल पे गिर सकती हो, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। अरे जिस भाई को मैंने खरोंच तक नहीं आने दी, उसकी खुशियों को बर्बाद कर दिया तूने।
मेरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए तूने। Go, I said go from here, वरना मैं अपने बंदों को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। वो नौबत नहीं आएगी मिसिया, वो नौबत नहीं आएगी। कर दो करम पीरे कामिल।
दो करम, कर दो करम, मेरी बिगड़ी बना दो, कर दो करम। सब आफत तुम दूर भगाते, जो भी विपता जीवन में आती तुम रे आगे टिक नहीं पाती। भूत प्रेत सब क्या कर पाते, सब आफत तुम दूर भगाते, जो भी विपता जीवन में आती तुम रे आगे टिक नहीं पाती। सैलानी बाबा अपरंपर, तुम दिन दुखियों के हो सरकार। सुख से भर दो जीवन संसार, अब सुन लो बाबा मेरी पुकार, सुख से भर दो जीवन संसार। अब क्या लेने आई हूँ यहाँ? सैलानी माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती पे बहुत पछतावा है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बस एक मौका दीजिए शबनम की हेल्प करने का। इसकी मदद करके मुझे ऐसा लगेगा जैसे सैलानी बाबा ने मुझे माफ कर दिया। क्या सैलानी बाबा? हाँ माँ जी। बेटा तू शबनम का ख्याल रखना, मैं जियारत करने जा रही हूँ। सैलानी बाबा के दो चार दिन। हक सैलानी, क्या सैलानी, हक सैलानी, क्या सैलानी, कर दो करम। मुझे मेरे भाई से मिला दो सैलानी बाबा। भैया
भाई राम है मेरा। ए बादशाह, जिंदगी बर्बाद करने के लिए ये मेरे परिवार की खुशियों बर्बाद करने के लिए। आशा भाई, आशा। राज भैया मुझे माफ कर दो भैया। राज मेरे भाई, भैया भैया ये भैया इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है भैया। बादशाह, मेरी माँ ठीक हो गई, मेरी माँ ठीक हो गई। जाने अनजाने में उससे जो पाप हो गया था उसके लिए मैं मजबूर थी, लेकिन सैलानी बाबा के रहम से आज मेरी माँ ठीक हो गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। देखा ना बाबा का चमत्कार, इनके दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। भर दी ना तेरी भी झोली बाबा ने, अब क्या सोच रही है। लेकिन शबनम, अरे शबनम के लिए हम सब है ना, आज तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम घर जाओ। यही बात है भैया, मारो भैया, यही बात है भैया, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। सैलानी बाबा के दरबार में ये सब नहीं, इसके कर्मों की सजा सैलानी बाबा खुद देंगे। नहीं अम्मी, इसे तो ये करना चाहिए। राज रुक जा, छोड़ दो इसे, बाबा इसके कर्मों की सजा खुद तय करेंगे। हाँ मैडम हाँ, इसके ऊपर 5 लाख का इनाम है। 5 नहीं सर, 50 लाख का इनाम है। 50? तुझे कैसे मालूम? 10 लगाना भूल गए थे आप। चल चल गेंटा, चल ए, चल रे। राज बाबा के दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। सैलानी बाबा के 2-4 दिन हक सैलानी या सैलानी, हक सैलानी या सैलानी, हक सैलानी या सैलानी। अम्मी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। नहीं भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया। नहीं छोडूंगी, नहीं छोडूंगी, नहीं छोडूंगी। भैया, बाबा, भैया, बाबा, वो तुम्हें, बाबा, भैया, बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा, बाबा, छोड़ दो मुझे, मुझे माफ कर दो, बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा, 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 बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, बाबा, 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 बाबा मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बाबा, 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 बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, बाबा, क्या हुआ है? मुझे माफ कर दो, बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ है? नहीं छोड़ूंगी। बोल क्या हुआ है तुझे? छोड़ो। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सैलानी बाबा की दरगाह है। करण, करण, हम कहाँ हैं करण? हम बाबा के दरबार में हैं, सैलानी बाबा के दरबार में। बाबा मुझे माफ कर दो।
मुझे माफ कर दो अम्मी, अम्मी मुझसे बहुत गलतियां हुई है, मुझे माफ कर दो बाबा। भाभी बाबा शबनम 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 मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी तुम्हें बहुत सताया है मैंने। नहीं भाभी ऐसा मत बोलो भाभी, मुझे माफ कर बाबा। हक सैलानी या सैलानी, हक सैलानी या सैलानी, हक सैलानी या सैलानी। आमीन। कर दो करम कर दो करम बाबा कर दो करम, कर दो करम। मुझे पार लगा दो मुसीबत से, छुड़ा दो मिटा दो सारे गम। सैलानी बाबा कर दो करम, कर दो करम।